क्या नाम है आपका और सपा सरकार में आप किस पद पर हैं? सुबेदार यादव, मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी अमेठी जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ। और आज किस तरह का प्रदर्शन किया है आपने? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा पूरे प्रदेश में यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनीस राजा जी के निर्देशन पे आज पूरे प्रदेश के हर विधानसभा, हर तहसील, जिले में ये जो 2012 से 15 के बीच, 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए थे, उन कार्यों को गिनाया जा रहा है। जो आज वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, जो लोग आज हर प्रकार से परेशान है, हर प्रकार से महंगाई से त्रस्त हैं। आज देखिए, पुरानी सरकार में 40 से 45 रुपए डीजल मिला करता था, आज 100 रुपए के ऊपर डीजल हो गया है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो गई है। गैस आप देखिए 1000 रुपए हो गई है। सब्सिडी के नाम पे किसान गरीब मजदूरों के साथ छलावा किया जा रहा है। महंगाई, आप खाद, किसानों की बात करेंगे, खाद की बात करेंगे तो आप देखिए 5 से 10 किलो उसमें कम कर दिया गया, उसके बाद रेट बढ़ा दिया गया। मतलब किस प्रकार से आप कहते हैं किसानों का हम विकास करेंगे, किसानों को हम आय बढ़ाने का काम करेंगे, आय दोगुनी करने का काम करेंगे। सिर्फ योगी जी, आप झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। आप देश के गरीब जनता को जलने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। 2 साल से कोरोना के नाम पर विद्यालय को बंद कर दिया गया है। सिर्फ इसलिए बंद किया गया है कि विद्यालय में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इस निकम्मी सरकार के खिलाफ बच्चे आवाज़ उठाएंगे। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जिस प्रकार से उनको जिस हालत में छोड़ दिया जाएगा, उसी हालत, उसी बदतर स्थिति में पड़े रहेंगे। इसीलिए विद्यालय 2 साल से कोरोना के नाम पर बंद कर दिया गया है। अगर देखेंगे तो कोरोना विश्व का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। अगर इसकी सही से जांच करा दी जाए तो कोरोना के नाम पर जो देश को बदलाने का काम कर रहे हैं, कोरोना विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा। आज अगर इनकी सही से, अगर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, मिलीजुली सरकार है, हर प्रकार से करप्शन में लिप्त है। इनके मंत्रियों की बात करें, शिक्षा विभाग में घोटालों पर घोटाला किया जा रहा है, हर प्रकार से घोटालों पर घोटाला किया जा रहा है। पूरे देश की जनता आज त्रस्त है, महंगाई को लेकर, बलात्कार, लूट, घसोट को लेकर त्रस्त है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में पूरा उत्तर प्रदेश का युवा एकदम सर पे बांध लिया है लाल गमछा, और माननीय अखिलेश यादव जी को सदन में मुख्यमंत्री बनाने का हम काम करेगा। और हम लोग जनपद अमेठी से, चारों विधानसभाओं से विधायकों को सदन में भेजने का काम करेंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश। क्या नाम है आपका और आज किस तरह का प्रदर्शन हुआ? मैं विजेंद्र यादव बागी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश सचिव, प्रभारी अमेठी। आज माननीय जी द्वारा, अनीस राजा जी द्वारा पूरे प्रदेश में 2012 से 17 के कार्यकाल में जो माननीय द्वारा कार्य कराए गए थे, उसका उस कार्यों को 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम उस कार्यों को दिखाना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, केवल छलावा और झूठ बोलने का काम की है ये सरकार। और इसी तरीके से हम लोग अभी बेनीपुर से यहाँ बस स्टेशन आए हैं, इसके बाद डाक बंगला जाएंगे, जो कि डाक बंगला 2012 से 17 की सरकार में बनाया गया था। और रोडवेज का वर्कशॉप जो आगे है, उसका भी निर्माण समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया था। ये जो रोड है अमेठी रोड है, इसका भी निर्माण 2012 में समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया था। आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार केवल झूठ बोल रही है, क्योंकि ये सरकार चाय बेचने वाली सरकार है, और चाय बेचने वाली सरकार विकास नहीं कर सकती है, वो बेच सकती है केवल, और कोई कार्य नहीं कर सकती है। मैं इसी बातों के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार 2022 में हर वर्ग के लोगों द्वारा समर्थन मिल रहा है, और निश्चित तौर पे हम 2022 में सरकार बना रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका और आज किस तरह का प्रदर्शन किया आपने? प्रदीप यादव, मुलायम सिंह यादव का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ठीक, आज माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड साइकिल यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछले सरकार में 12 से 17 तक जो पूरे प्रदेश में विकास कार्य किए गए हैं, उस विकास कार्य को हम समाजवादी पार्टी के नौजवान साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जन तक यह संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे अमेठी बस अड्डे का नवीनीकरण उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के सरकार द्वारा कराया गया था, और वर्कशॉप का निर्माण कराया गया था, बेनीपुर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया था, और दुर्गापुर से अमेठी तक
मार्ग बनवाया गया था। इन सब मार्गों को जहाँ जहाँ अखिलेश यादव का विकास कार्य हुआ है उस स्थानों से हम लोगों की साइकिल यात्रा गुजर रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनीस राजा जी ने पर्यवेक्षक के रूप में हमारे जनपद में विजेंद्र सिंह बागी जी आए हुए हैं, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह 2022 का चुनाव आ रहा है, सभा की क्या तैयारी रहेगी? समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयारी में एकदम लगी हुई है, पूरा नौजवान ठान के बैठा है, एक एक नौजवान बूथ तक जाने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में परिवर्तन निश्चित तौर पर हर समाज हर वर्ग चाहता है कि आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार 12 से 17 बेहतर थी तो 22 से 27 बेहतर होगी। इसी और उम्मीद के साथ जो जनसमर्थन हम लोगों को मिल रहा है, निश्चित तौर पर हम लोग 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या नाम है सपा सरकार में आप किस पद? हमारा नाम शमशाद खान जायसी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष योजन सभा से, हम जिला अध्यक्ष हैं अमेठी। आज किस तरह की रैली निकाली गई है और इसका क्या प्रयोजन है? आज ये जो रैली निकली है ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा के अनुमति द्वारा, जो हर पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा द्वारा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश जिला अध्यक्षों को द्वारा जो आदेश हुआ है कि फंडलों के चारों अध्यक्ष साथ में मिलकर साइकिल रैली द्वारा जो क्षेत्र में जाकर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं वो काम आपको लोगों में बताना है और बता के 2022 में सरकार बनाना है। 2022 में आपको लेकर आपकी कैसी तैयारी है, क्या आपको लगता है कि लोग साथ देंगे आपका? लोग इसमें त्रस्त हैं, इंतजार कर रहे हैं 2022 का, सिर्फ कितनी जल्दी चुनाव नज़दीक आए और लोग अपने वोट का जो बहुमूल्य वोट है उसको साइकिल के बटन पे दबाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।